न्यायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ वकीलों के प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत शुक्रवार को आधे दिन के राजस्थान बंद के दौरान अजमेर बंद भी छुटपुट घटनाओं को छोड़कर सफल रहा। सुबह से ही वकीलों की टोलियां शहर के भ्रमण पर निकल पड़ी। हालांकि पूर्व घोषित समर्थन के चलते नगर के अधिकतर व्यापारिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, टेम्पो, सिटी बसेस, ठेले, थड़ी, पेट्रोल पंप, फल सब्जी मंडी, स्कूल कॉलेजेस बंद रहे। वहीं कहीं इक्का दुक्का खुली दुकान और चल रहे ऑटो टेम्पो वालों को जबरन धक्काकर वकीलों ने बंद करा दिया। इससे वकीलों और चालकों के बीच झड़प भी हुई। अदालतों में न्याय दिलवाने वाले इन प्रबुद्ध जनों ने बंद के दौरान अपना एक और चेहरा आम नागरिकों को दिखाया, जिसे देखकर इन्हें हुड़दंगे कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गरीब रिक्शा चालकों या ऑटो चालक उसकी रोजी रोटी को लात मारते, डंडे चलाते और गाली गलौज करते वकीलों ने अपनी बनाई हुई मर्यादा को खुद ही तोड़ दिया। वकीलों की पुलिस के साथ भी अनेक स्थानों पर झड़प और गाली गलौज हुई। गौरतलब है कि पिछले 46 दिनों से राजस्थान बार एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में वकील आंदोलनरत हैं, जिसके चलते अदालतें सुनी नजर आ रही हैं। मुवक्किलों को न्याय नहीं मिल पा रहा, अपराधियों की पौबारा हो रही है, लेकिन बेंच और बार की लड़ाई है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अदालतों में भ्रष्टाचार से आम आदमी त्रस्त है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जज पैसे लेकर न्याय के नाम पर पीड़ितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। कानून अंधा होने के साथ गूंगा बहरा भी हो चुका है। न्याय प्रक्रिया में अब कोई दूध का धुला नहीं बचा। फिर भी आंदोलन का बखेड़ा खड़ा करके हर कोई अपनी कॉलर पाक साफ बताने में जुटा हुआ है। पिस रही है तो आम जनता। हम रेलवे स्टेशन तक तो आ गए थे, हमें जाना था गेगल, पर एक्चुअल में क्या 5 रुपए जो लो फ्लोर में लगते, 20 रुपए तो इसने ले लिए रेलवे स्टेशन के। और यहाँ से अब कोई साधन ही नहीं, पैदल जा रहे हैं, पैसा हाथ में लेके हैं, फिर भी पैदल ही पैदल, कोई साधन ही नहीं मिल रहा है। काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमें। और 9 बजे हमारा टाइमिंग है, वहाँ पंच होता है, अंगूठा फिगर वगैरह, तो सारा टाइमिंग हो गया, हमारा ड्यूटी टाइम भी हो गया, सारा साधन नहीं मिल रहा, बड़े परेशान हो रहे हैं, आने जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। आदर्श नगर रेलवे स्टेशन से ऑटो वाले को मुंह मांगे पैसे दे के स्टेशन तक आया था, फिर आगे कोई साधन है नहीं तो पैदल जा रहा हूँ फैक्ट्री। परेशानी तो है ही साहब, अब जो है जो अगर स्टेशन तक नहीं आ पाता तो मैं शायद जा ही नहीं पाता, यहाँ से तो वॉकिंग है। बहुत परेशानी हो रही है साहब, बहुत परेशानी। इनको मिलके बैठ के अपना समझाने लगे, हाँ इनसे क्या फायदा है, ये प्रतिष्ठान बंद कराने से, साधन बनाने से, आपस में समझा के करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। परेशानी तो बहुत हो रही है, साधन भी नहीं मिल रहा है आने जाने को, इसलिए पैदल जाना पड़ रहा है, यही परेशानी हो रही है। आज हमारे संघर्ष समिति के आह्वान पर जो ओल्ड राजस्थान बंद है उसके तहत हमारे अजमेर भी बंद है। हमारा बंद सुबह से लेकर के 2 बजे तक है, जिसमें शांतिपूर्वक बंद है और पूर्ण रूप से बंद है। सारे हमारे अधिवक्तागण यहाँ धरना स्थल पर और शहर में मौजूद हैं, विभिन्न टोलियों में जो है साथ गए हुए हैं, और पूर्ण रूप से ये हमारा अजमेर बंद है और हमारी वकीलों की एकता कायम है। राजस्थान बंद के दौरान अजमेर बंद पूरी तरह सफल रहा है। न्यायिक अधिकारियों के काले कारनामे और उनके भ्रष्टाचार, दूसरे को सीख देने वाले खुद भ्रष्ट न्यायिक अधिकारी, उन भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों के विरोध में राजस्थान बंद जो रहा है
उसमें अजमेर ऐतिहासिक सफल बन रहा है। न्यायिक अधिकारियों को इसके बंद के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम सुधर जाओ, भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों तुम सुधर जाओ। 500-600 वकील चार या पांच टोलियों में अलग अलग शहर में घूमे, दरगाह बाजार में हम 2-3 चक्कर लगाए और सारा बाजार पूर्ण तरह से बंद रहा। रोड बसे वालों ने हमारा सपोर्ट दिया और टेम्पो यूनियन और बाजार एसोसिएशन, सारा मार्केट पूर्ण रूप से बंद रहा। इस प्रकार से आज अजमेर की जनता ने और राजस्थान की जनता ने इस बंद का समर्थन किया है। इस बात से ये पूर्णतः इस बात से सहमत होना चाहिए इस देश की जनता को कि किस प्रकार से न्यायपालिका का भ्रष्ट तंत्र इस देश में व्याप्त है और उसी का ये परिचायक है कि आम जनता ने हमारा इतना भरपूर सहयोग दिया। बंद था, सुबह 6:30 बजे से बंद शुरू हो गया था, बंद रहा है लेकिन शांतिपूर्ण रहा है, कहीं कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई है। आपसी समझाइश से और शांति से बंद था। कितने मजिस्ट्रेट 3 लगाए गए थे, मुझे अजमेर नॉर्थ का जिम्मा दिया गया है। कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई किसी भी तरह की, शांतिपूर्ण बंद था। अभी 2 बजे तक का बंद था, अब 2 बजे बाद में सारे जनजीवन सामान्य है, मार्केट भी खुल रहा है। बंद के दौरान पुलिस और प्रशासन ने ठोस व्यवस्था की थी, हमारी मोबाइलें निरंतर गश्त पे हैं, जहाँ भी वकीलों का मूवमेंट था हमारी मोबाइलें उनके साथ थी और पूरे शहर में शांतिपूर्ण इनका बंद का आयोजन रहा।